आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, बैठो। बुल्लर बलवंत जी, इस पार्टी में आपका क्या पद है और अभी आगे क्या रणनीति आप बना रहे हैं? देखो जी, पद तो बाद की बातें हैं, पहले प्रवीण भाई ने जो शुरुआत करी है तो उस शुरुआत को हम सपोर्ट करने के लिए आज दिल्ली पहुंचे हैं। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि सर पब्लिक जो आपका क्यों साथ देगी या देगी या नहीं देगी। आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो उस पब्लिक को फल सब्जियां दूध पहुंचाने में हमारे ड्राइवर भाइयों का सहयोग रहा था, हमारे ट्रक वाले भाइयों का। उसके बाद जो लॉकडाउन लगा था, कोई पब्लिक हिमाचल की यहाँ फंस गई थी, कोई पंजाब की, कोई दिल्ली राजस्थान की, उनको उनके घर तक पहुँचाने का काम किन्होंने किया था? हमारे ड्राइवर ने, हमारे टैक्सी वालों ने किया था। रही बात सड़क से जो सत्ता की ओर एक नारा जो दिया गया है, आपने देखा होगा कि हमने दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार बनाई, 5 साल केजरीवाल टैक्सी के पीछे, ऑटो के पीछे, एक इनकलाब लेकर के हम उनके पीछे चल पड़े। लेकिन बाद में क्या मिला हमें? 8 साल का जो परमट था वो 5 साल में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह जब देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो हमें अपना विकास अभी तक 7 साल में होता हुआ नज़र नहीं आया। 8 सितंबर 2018 को देश की पार्लियामेंट में डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक आवाज़ उठाई थी हमारी मांग को, पार्लियामेंट में नितिन गडकरी जी के समक्ष रखा था। तो गडकरी जी ने उसके ऊपर एक बयान दिया था कि ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कि हमने इस पे 3 मेंबरी कमेटी बना दी, जिसमें वो एक खुद लीड कर रहे हैं, साथ में पीयूष गोयल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो, और साथ में दामले साहब जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है। तो अभी तक 3 साल गुजर गए हैं और अभी तक उस कमेटी ने कोई भी ड्राइवर के परिवार को सुरक्षित करने की कोई भी उन्होंने रिपोर्ट जो है सरकार को नहीं भेजी है। सर, आप ड्राइवरों की समस्याओं की बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप कैसे हल करेंगे एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर? मैं सर उसी बात पर भी आ रहा हूँ। उसके बाद में देश के अंदर 125 करोड़ ट्रक चलता है और एक ट्रक के ऊपर 2 ड्राइवर चलते हैं, तो आप ये गिनती लगा लो कि 2.5 करोड़ के ऊपर पहुँचती है। एक हेल्पर साथ में चलता तो ये गिनती कहाँ चलती है? और उसके साथ अगर उसके 4 फैमिली वोटर हैं तो इसकी यही ताकत हम ड्राइवर को आने वाले टाइम में दिखाना चाहते हैं। आपने अभी सवाल किया था कि ड्राइवर को मसले हम कैसे हल करेंगे। देखो जी, अभी तो शुरुआत हुई है और बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे आगे उठता है, गिरता है, चोटें लगती है, फिर वो समझ आती है, फिर वो चलता है, पढ़ता लिखता है, फिर कुछ बनता है। तो हम भी सड़क पे बहुत 75 साल से घूम रहे हैं, हमें पता है कि कहाँ पर RTO लूट रहा है, कहाँ DTO लूट रहा है, कहाँ पुलिस लूट रही है। वो चीज़ों को हम अपने दर्द को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आज ऐसे ही कुछ पार्टियाँ भी बनी थी, कोई यादव को लेकर पार्टियाँ बनी, कोई दलित को लेकर पार्टियाँ बनी, कोई महिला मोर्चा बना, कोई किसान मोर्चा बना, कोई अपने मिनोरिटी के कमीशन बने, पर ड्राइवर का देश के अंदर कमीशन क्यों नहीं है? जबकि इसकी संख्या 10-12 करोड़ है ड्राइवर के देश के अंदर। इनका भी एक ड्राइवर योग बनना चाहिए, सारथी योग बनना चाहिए। और ये एक बड़ा सम्मानित एक लवज है, ड्राइवर जो है इसको सारथी का नाम दिया गया। श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने भी एक बार अर्जुन जी का रथ चलाया था ड्राइवर बन के और महाभारत जीती थी। तो हम भी शायद भी लग रहा है इसे आप भी रण जीतेंगे। बिल्कुल जी, सोच होनी चाहिए बंदे के अंदर। और अगर हम ड्राइवर होते हुए हम रोड सेफ्टी पे काम कर सकते हैं, अगर हम ड्राइवर होते हुए अपनी मांग को पार्लियामेंट में उठवा सकते हैं, अगर हम ड्राइवर होते हुए कोरोना में काम कर सकते हैं जिस पब्लिक की हम सेवा 75 साल से कर रहे हैं, तो एक बार हमारा अगर मैसेज, अगर हम किसी के पोस्टर अपनी गाड़ियों के पीछे लगा सकते हैं तो अपनी पार्टी का क्यों नहीं। सो भाई ने शुरुआत करी है, हम साथ देंगे। जितनी भी देश के अंदर यूनियनें हैं, क्योंकि हर कोई तीसरे दिन नई यूनियन बना लेता है, उससे कोई मसला हल नहीं होता हुआ नज़र आते हुए देख के प्रवीण भाई ने ये पार्टी का गठन किया है। सभी देश के ड्राइवरों को, सभी पार्टियों को और सभी जो छोटे मोटे दल हैं उनको और सभी समाजसेवी लोगों को, पब्लिक को साथ में लेके हम भी एक पार्टी चलाएंगे, बनाएंगे। पहले हमने गाड़ियाँ चलाई, अब हम देश चलाने की तरफ सोचेंगे। RPF को मिला हुआ है और भी कई लोगों को मिला हुआ है, लेकिन ड्राइवर। सर क्या नाम आपका? प्रवीण आर तिवारी, जनसेवा ड्राइवर पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आने का क्या उद्देश्य है? दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम देश में ड्राइवर आयोग का गठन हो, दुर्घटना होने पर ड्राइवर को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल सहायता मिले, देश भर के RTO और ट्रैफिक पुलिस पर जो है
जो चालान के नाम पर डिजिटल लूट मचा रखा है उस पर रोक लगे और ड्राइवरों के वेतन और भत्ते सरकार निर्धारित करे और उन्हें समय से मिले ऐसी व्यवस्था करे। किससे कर रहे हैं ये? हम आदरणीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से ये मांग हमने रखी हुई है, उनके सामने हमने आवेदन भेजा हुआ है। आपने अपनी संस्था को पार्टी में बदला है, आगे चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है आप लोगों की? बिल्कुल, हम अपने जो है ड्राइवरों को सड़क से सत्ता की तरफ ले जाएंगे। यहाँ 75 साल से वो सड़क पर ही रहे हैं, अब सत्ता पर चलने की उनकी जो है बारी आ गई है और हमारा एक ही नारा है, एक बार ड्राइवर सरकार। अब ड्राइवरों ने थाना है कि ड्राइवर जनसेवा ड्राइवर पार्टी को सरकार बनाना है। कितनी सीटों पे आपको लग रहा है कि जनता जुड़ेगी आपके साथ? बिल्कुल, हमारे ड्राइवर भी इसी जनता में से आए हुए हैं। क्या मैनोफेस्टो है जिससे कि जनता आपके साथ जुड़े? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा भी मैनोफेस्टो है। और ड्राइवरों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कल्याणकारी योजना बने, यही हम चाह रहे हैं और यही हमारी पार्टी का। आगे किन किन चुनाव? प्रदेश के अंदर 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है, बाकी आने वाले समय में पंजाब के अंदर भी चुनाव है। तो हमारे जो प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं बलवंत जी भुल्लर जी, उनके मार्गदर्शन के साथ पंजाब में भी चुनाव में हम हिस्सा लेंगे, या जो किसान पार्टी बने या जो भी पार्टी है उनके साथ में जो है वहाँ पर मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं।